हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी क्लास सिक्स का हम बसंत पाठ नौ का टिकट एल्बम कर रहे थे, जो कि आपके बुक बसंत से ली गई है। चैप्टर है, पाठ है नौ और कहानी का नाम है टिकट एल्बम। उसका हमने कल सारांश देखा था कि इस कहानी में आखिर क्या लिखा गया है और किन किन के ऊपर लिखा गया है, तो उन वो तो हमने कल देख लिया। अभी हम चलते हैं इस चैप्टर के कहानी। तो सारांश के बाद हम अब इस चैप्टर की प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो इस चैप्टर में प्रश्न उत्तर का सबसे पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नाग राजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन ने, यानी नागराजन का जो एल्बम था, उसने उस एल्बम पर सबसे पहले पेज, मुख्य पृष्ठ का मतलब सबसे पहले पेज पर ऐसा क्या लिखा और क्यों लिखा? इसका बच्चों पर क्या असर पड़ा? उसने लिख तो दिया और क्यों लिखा? इसमें देखिए तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि नागराजन ने मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा, क्यों लिखा, और तीसरा क्या क्वेश्चन है, ये जो लिखा इसकी वजह से बच्चे जो थे उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने क्या लिखा। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। उत्तर पहला क्या था, नागराजन ने एल्बम पर क्या लिखा। तो क्या लिखा उसने, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों, मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन, एम नागराजन। क्या कह रहा है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने लिख भेजा था एम नागराजन, यानी कि जो उसकी गिफ्ट तो उसके मामा ने दिया था। तो गिफ्ट मामा ने दिया था, उन्होंने क्या किया था, गिफ्ट में बुक जो थी, बुक्स के सब एल्बम के सबसे पहले पेज पे उन्होंने क्या कहा था, इसका नाम लिख दिया था नागराजन का, ए एम नागराजन। पैरा चेंज करते हैं अब। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम, यह एल्बम मेरा है, जब तक
घास हरी है और कमल लाल ये तो उसके मामा ने लिखा था, पर ये जो लाइनें हैं ये लाइन नागरजन लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि नागरजन ने क्या लिखा था। ये तो पहले से उसके मामा ने उसका नाम लिख के भेज दिया था, अब जो ये सब बात है वो नागराजन लिख रहा है। कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम को पश्चिम में छिपे, सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, अनंत अनंत काल तक, अनंत काल तक के लिए वह नहीं, यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इस तरह से उसने उस पर लिख दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम उसका नहीं नहीं चुराएगा, यानी कि उससे ऐसा इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूंगी ना कि जो चुराएगा वो बेशरम है, तो वो उसे नहीं कोई चुराएंगे। इसका आंसर अब बोल रहा है, ये तो दो क्वेश्चन हो गए, क्यों क्यों किया ऐसा, क्या लिखा वो पता चल गया, अब क्या है लड़के लड़कियों पर असर क्या पड़ा। इसका कक्षा के ये तो रहने दे रही है, तो लाइन है ही, इसका क्या असर पड़ा, तो चलिए, इसका कक्षा के लड़के लड़कियों पर असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने एल्बम व अपने एल्बम और किताब में लिख लिया। इसका असर ये हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम और किताब में लिख लिया। ये लाइन
जो चुराए वो बेशरम है, यह मेरा ही रहेगा, जो भी हो लाइनिंग थी वो। तो क्वेश्चन क्या था, नागराजन के एल्बम के पृष्ठ पे क्या लिखा था? पृष्ठ पे लिखा हुआ था कि चुराने वाला बेशरम है। सबसे पहले उसके मामा ले लिख के बताया ए एम नागराजन, और इसका इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम को छिपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से, अब क्यों लिखा उसने, उसे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई चुराएगा नहीं, और इसकी ये जो उसने काम किया इसकी वजह से लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। तो जो लड़के लड़कियां थे उन्होंने क्या किया, इसी सेम लाइन को अपनी किसी ने एल्बम में उतारा, तो किसी ने अपने कॉपी में, किसी ने अपने किताब में इस तरह से उतार लिया। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 का टिकट एल्बम का पहला नंबर क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।